बीट तो आप लोगों को हर कहीं पर मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भाई हर जगह पर आप लोगों को क्वालिटी नहीं मिल पाती, सिर्फ बीट मिलती है। तो अगर आप लोगों को क्वालिटी में डील करनी है तो इन ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों की ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओनर के पास एक सिंगल ही पपी अवेलेबल है और ये स्टड का पपी है। तो भाई आप लोग जब इनके पेरेंट्स को देखोगे तो आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। वैसे पपी की क्वालिटी तो आप लोग देख ही रहे हैं जो कि बहुत शानदार है, क्योंकि इन ओनर के पास हमेशा आप लोगों को ऐसी ही क्वालिटी मिलती है, क्योंकि भाई एक तो इनका स्टड बहुत तगड़ी क्वालिटी का है एंड साथ में जो इनकी होम ब्रीडिंग होती है ना भाई, उनकी क्वालिटी भी अल्टीमेट होती है। तो अगर आप लोग इस पपी को लेना चाहते हो तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एंड साथ में जो इस पपी की मदर है ना भाई, वो भी सेल के लिए है। वैसे बहुत से लोग 2-3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन यार आप लोग ये भी तो सोचो ना, जिस डॉग को आप लोग परचेज कर रहे हो भाई वो कम से कम 10-15 साल आप लोगों के साथ रहेगा, तो उसी एनिमल को आप लोग घर में रखो भाई जो आप लोगों को पसंद हो, क्योंकि भाई चाहे वो स्ट्रीट डॉग ही क्यों ना हो। तो ये जो रॉटवेलर है भाई काफी डार्क कलर में, हेड साइज भी काफी हैवी है। बाकी ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर आप लोग रॉटवेलर को परचेज करने जा रहे हो तो इस ब्रीड को थोड़ा सा अग्रेसिव माना जाता है, काफी पावरफुल होते हैं और ये एक ही कोट कलर में पाए जाते हैं जो है ब्लैक एंड टैन। एंड गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि काफी फेयरलेस भी होते हैं, अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसी से भी भिड़ जाते हैं। सो गाइस एक बार मैं आप लोगों को इस पपी के पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं। तो गाइस फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये इस पपी की मदर है। भाई मदर की बॉडी देखिए कितनी हैवी बोन है एंड बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और गाइस ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि अगर आप लोग इस फीमेल को परचेज करना चाहते हो तो ये भी सेल के लिए है। बाकी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओनर ही आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि ओनर ने इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर रखी। एंड अगर आप लोग इस पपी को लाइव वीडियो कॉल पर देखना चाहते हो तो ओनर को कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। एंड प्लीज गाइज अगर आप लोगों को हमारी कोई भी वीडियो पसंद आती हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को ऑल पर कर लो, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस आप लोगों को डेली मिलती रहे। एंड गाइस अगर फादर की बात करें तो भाई इतनी तगड़ी क्वालिटी का फादर जो कि आप लोग फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, भाई ऐसी क्वालिटी के डॉग्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ये केस रजिस्टर्ड भी है। तो जब आप लोग पपी को परचेज करने जाओगे तो सामने से इसे भी देख सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस रॉटवेलर की बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूं। तो फ्रेंड्स अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये 50 डेज का हो चुका है, उन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन भी करवा दिया है, तो साथ में आप लोगों को इसका वैक्सीनेशन कार्ड भी मिल जाएगा। एंड जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि स्टड का पपी है, तो लीटर का सबसे बेस्ट पपी आप लोगों को मिल रहा है। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली एनसीआर से, तो सबसे अच्छी बात तो यही रहती है कि आप लोग डायरेक्ट जाकर ही परचेज करो, या फिर अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो डोंट वरी, ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन यार उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो कितना होता है ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की लोकेशन क्या है। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो पपी बहुत अच्छी क्वालिटी का और मेल पपी है, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड किया है वो किया 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। बाकी गाइस प्राइस नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाएं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।